नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, इस पोर्टल से हम अपने प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों को स्ट्रीमलाइन करते हैं और ऑनलाइन मॉनिटर करते हैं। इसके मुख्य फीचर्स हैं, इसके द्वारा हम ट्रेनिंग प्रोसेस को शेड्यूल कर सकते हैं, ट्रेनिंग कैलेंडर बना सकते हैं, फीडबैक फॉर्म्स कस्टमाइज कर सकते हैं, लेटर्स भेज सकते हैं इनविटेशन फॉर नॉमिनेशन के लिए, पूल ऑफ रिसोर्स पर्सन बना सकते हैं। एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में आपको 4 रोल्स दिए जाते हैं, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर, कोर्स डिजाइनर, कोर्स कोऑर्डिनेटर, रिसोर्स पर्सन। इसके अलावा आप एज अ ट्रेनी भी ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल को यूज कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए। प्रशिक्षण संस्थान के एडमिनिस्ट्रेटर प्रोजेक्ट एरियाज डिसाइड कर सकते हैं जिसपे प्रशिक्षण दी जानी है। आप थ्रस्ट एरियाज डिफाइन कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर का, कोर्स डिजाइनर, कोर्स कोऑर्डिनेटर, रिसोर्स पर्सन, इन सभी का चयन कर सकते हैं। प्रशिक्षण संस्थान के जितने भी पब्लिकेशंस है उसको आप पब्लिश कर सकते हैं, आप प्रशिक्षण देख सकते हैं, उन्हें अनफ्रीज कर सकते हैं। एक प्रशिक्षण संस्थान में कई सारे कोर्स डिजाइनर्स हो सकते हैं। उनका दायित्व है कि वो ट्रेनिंग डिजाइन करे, ट्रेनिंग कैलेंडर प्रिपेयर करे, एजेंडा प्रिपेयर करे और असाइन करे रिसोर्स पर्सन ट्रेनिंग सेशंस में। कोर्स कोऑर्डिनेटर का कर्तव्य होता है कि वो प्रशिक्षण से संबंधित सभी गतिविधियाँ कंडक्ट करे, जैसे अप्रूविंग नॉमिनेशन, ऐड पार्टिसिपेंट्स फॉर ट्रेनिंग, जनरेट करना इनविटेशन लेटर, वेन्यू डिसाइड करना और अगर ट्रेनिंग कंडक्ट हो चुकी है तो उसको अपडेट करना स्टेटस, और अटेंडेंस अपलोड करना और फीडबैक कलेक्ट करना। एज अ ट्रेनी आपको फीडबैक देना होता है। जैसा हम जानते हैं, फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाई जा सके। पीएमपी यूज करने से पहले आपको कुछ मास्टर एंट्रीज करने पड़ते हैं, जैसे वेन्यू, रिसोर्स पर्सन, ट्रेनीज। यह फ्लो चार्ट है टीएमपी एप्लीकेशन का। सबसे पहले आप नई ट्रेनिंग ऐड करेंगे, उसे फ्रीज और पब्लिश करेंगे, उसके बाद एजेंडा बनाएंगे, असाइन करेंगे कोर्स डायरेक्टर को उस प्रशिक्षण के लिए, ऐड करेंगे ट्रेनीज, अपडेट करेंगे स्टेटस ऑफ ट्रेनिंग अगर वो कंडक्ट हो चुका है, उसके बाद आप अपलोड करेंगे अटेंडेंस ट्रेनीज का, कैप्चर करते हैं फीडबैक। फीडबैक आप मैनुअली कलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन करेंगे तो एक ओटीपी आपको जनरेट करना होगा, वो शेयर करना होगा आपको ट्रेनी के साथ, और ट्रेनी उस यूजर आईडी पासवर्ड से वो लॉगिन करेंगे और सबमिट करेंगे अपने फीडबैक। एज एडमिन सबसे पहले आपको मास्टर्स डिफाइन करने होंगे, ऐड सब्जेक्ट एरिया, सब्जेक्ट एरिया लिखेंगे आप सभी जिसपे प्रशिक्षण चलाए जाने हैं और एक एक करके आप उसे सेव करेंगे। सब्जेक्ट एरिया सेव हो गया, यहाँ दिख रहा है ये मैसेज गलत आ रहा है, इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं सब्जेक्ट एरिया को, मास्टर्स पे जाके मैनेज सब्जेक्ट एरिया में क्लिक करें और अपने सब्जेक्ट एरिया को आप एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको डिटरमाइन करना होगा ट्रेनिंग प्रोसेस शेड्यूलर। यहाँ पे आपको डिफरेंट टास्क हैं, जैसे कोर्स कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग के कितने दिन पहले असाइन किए जाने हैं, कितने दिन पहले ट्रेनिंग मटेरियल अपलोड करने हैं, वेन्यू कितने दिन पहले फाइनलाइज होना चाहिए, एजेंडा कब तक प्रिपेयर होना चाहिए, रिसोर्स पर्सन्स इत्यादि कब तक करना है वो बिफोर ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं वो डेज। एज एन ऑर्गेनाइजेशन एडमिन आपको ये डिसाइड करना है। और जैसे ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद अटेंडेंस, जो ट्रेनीज है उनका अटेंडेंस कब तक अपलोड हो जाना चाहिए, फीडबैक कब तक अपलोड हो जाना चाहिए, ये सारे लिख के आप उसे आप सेव कर दें। नेक्स्ट है आपका सब टाइप ऑफ प्रोग्राम। जैसे हमने सिलेक्ट किया ट्रेनिंग, तो उसका सब टाइप क्या हो सकता है? मास्टर्स में ऑप्शन मिलता है, अथॉरिटी मिलती है अप्रूव ट्रेनिंग चेंज रिक्वेस्ट। अगर किसी कारण से कोई कोर्स कोऑर्डिनेटर, कोर्स डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को रिशेड्यूल करना चाहता है या कोई चेंजेस करना चाहता है तो उसका अप्रूवल देने का पावर भी एडमिन को है। जब आप ट्रेनिंग कोई ऑर्गेनाइज करते हैं तो ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बजट, और बजट के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्ट स्पॉन्सर ऑफ ट्रेनिंग। अब कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, साथ ही आपका ओन फंड होता है, उसको यूटिलाइज करके आप ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकते हैं
साथ ही कई सारे स्कीम्स होते हैं, उसको यूज़ करके भी आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप सिलेक्ट कर लेंगे स्कीम और उसे आप सेंड करेंगे यहाँ पे। कई सारे एक्सटर्नल एजेंसीज भी होते हैं जो स्पॉन्सर करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उन परिस्थिति में आप इनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे। मास्टर डेटा एंट्री होने के बाद हम ट्रेनिंग शेड्यूल कर सकते हैं। हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू ट्रेनिंग। स्पॉन्सर सिलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ प्रोग्राम ट्रेनिंग, सब टाइप पंचायत डेवलपमेंट प्लान। दिस ट्रेनिंग फॉल्स अंडर सब्जेक्ट या स्कीम, स्कीम से रिलेटेड है, स्कीम को सिलेक्ट करेंगे। मोड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, फेस टू फेस है या ऑनलाइन है या वीसी के थ्रू है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम का नेम लिखेंगे, कोड है, कोड डाल सकते हैं आप, ऑप्शनल है। ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, लेवल ऑफ ट्रेनिंग एडवांस बेसिक रिफ्रेशर। बैचेस कितने हैं, वन है या टू है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। लैंग्वेज, बोर्डिंग लॉजिंग है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद आप ऐड करेंगे बैच डिटेल्स, स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम, एंड डेट, एंड टाइम, टारगेट ऑडियंस, टोटल सीट्स, सेव, मैनेज ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्लिक करेंगे। स्टेटस से हम सर्च कर लेंगे, अनफ्रीज्ड, नेम से सर्च करेंगे, अनफ्रीज्ड है, इसे हम क्लिक करेंगे। एक बार आप फ्रीज कर दें फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। आप चाहे तो न्यू बैच ऐड कर सकते, पब्लिश पे क्लिक करेंगे। ये आपका पब्लिश हो गया। ट्रेनिंग प्रोग्राम पब्लिश करने के बाद आप उसे अपकमिंग ट्रेनिंग्स में देख सकते हैं। ट्रेनिंग कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे, हम अपना नेम से भी सर्च कर सकते हैं, हमने जो नेम डाला था, ये हमारा पीपीसी 2021 बैच वन, यहाँ देख सकते हैं स्टेटस पब्लिश बता रहा है। इसके बाद हम असाइन करेंगे ट्रेनिंग टू कोर्स कोऑर्डिनेटर। अवेलेबल कोर्स डायरेक्टर से हम कोर्स डायरेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे एजेंडा, ट्रेनिंग सिलेक्ट करेंगे। आपको बस ये प्रॉम्प्ट कर रहा है कि अभी तक आपने सेशन नहीं क्रिएट किया है। ऐड सेशंस पे क्लिक करेंगे, सेशन का नाम देंगे,
मेथड सिलेक्ट करेंगे, टाइमिंग सिलेक्ट करेंगे, एंड टाइम सिलेक्ट करेंगे, पैरेलल सेशंस हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। चेक करेंगे यहाँ पे, रिसोर्स पर्सन सिलेक्ट करेंगे, रिसोर्स पर्सन को क्लिक करेंगे, आपको ड्रॉप डाउन देगा आपके अवेलेबल रिसोर्स पर्सन का, उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, वेन्यू सिलेक्ट करेंगे, गेट वेन्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। एजेंडा प्रिपेयर करने के बाद हमें ट्रेनी एक्सेल अपलोड करना होगा। यदि आपने ऑनलाइन नॉमिनेशंस लिए हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से आप फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे। इस एक्सेल फाइल में आपको नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, कैटेगरी ऑफ ट्रेनी, जेंडर, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपको डाल के सेव कर देना है। ट्रेनिंग नेम सिलेक्ट कीजिए, बैच सिलेक्ट कीजिए, फाइल अपलोड कीजिए। सबमिट। किसी भी ट्रेनिंग के लिए कोई भी ट्रेनी ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। जाना होगा trainingonline.gov.in। होम पेज ऑफ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे, अप्लाई अपकमिंग ट्रेनिंग, पीपीसी 2021, क्लिक टू अप्लाई, ऐड पर्सनल डिटेल्स, सेंड नॉमिनेशन, अप्रूव नॉमिनेशन पे क्लिक करेंगे, आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स का एप्लीकेशन है तो चेक ऑल पे कर सकते हैं आप क्लिक, और अप्रूव कर सकते हैं। यूज़र के पास कंफर्मेशन ईमेल चला जाएगा, नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया है। इसके बाद अपलोड अटेंडेंस फॉर ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे, ट्रेनिंग नेम सिलेक्ट करेंगे, बैच, इन्हें सभी को आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं चेक ऑल करके, अप्रूव अटेंडेंस। यदि आपने कोई अटेंडेंस ली हुई है सिग्नेचर फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं ट्रेनिंग के इमेजेस, आप यहाँ से चूज फाइल करके अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे फीडबैक पे। ट्रेनिंग्स हो जाने के बाद आप फीडबैक के लिए फीडबैक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फीडबैक इम्पैक्ट एनालिसिस फॉर्म टेम्पलेट्स हैं, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना ट्रेनिंग सिलेक्ट कर लेंगे, फीडबैक आपको मैनुअल लेना है या ऑनलाइन उस पर आप क्लिक करेंगे, ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट टाइप सिलेक्ट करेंगे, ऐसे आप सेव पे क्लिक करेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो फीडबैक है वो ट्रेनी द्वारा भरी जाए, तो हम फिर से शेड्यूल में जाएंगे, जनरेट ट्रेनी ओटीपी पे क्लिक करना है, अपना ट्रेनिंग सिलेक्ट करेंगे, बैच, गेट डेटा, ये ट्रेनी आईडी है, इसको हम क्लिक करेंगे और जनरेट ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे, तो ये जो ओटीपी है वो जाएगा ट्रेनी के पास, और फिर वो अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन होके फीडबैक दे सकता है। ये आईडी और ओटीपी जिससे वो लॉगिन करेगा, लॉगिन एज ट्रेनी,
ट्रेनी आईडी। लॉगिन, गिव फीडबैक, ट्रेनिंग सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चंस आएंगे रिगार्डिंग कोर्स कंटेंट, सीक्वेंसिंग ऑफ सेशंस, और अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है तो आप उस पर नॉट एप्लीकेबल पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे और सेव पे आप क्लिक करेंगे। आपका फीडबैक कोर्स डायरेक्टर के पास चला गया। आप देख सकते हैं फीडबैक जो आपने दिया है। ट्रेनी चाहे तो अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, ये सब एडिट करके आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं। कोर्स कोऑर्डिनेटर फीडबैक देख सकता है। फीडबैक इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। व्यू ट्रेनिंग फीडबैक कोर्स कोऑर्डिनेटर पे क्लिक करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। ट्रेनिंग रिसोर्सेज में क्लिक करके आप वेन्यू ऐड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एक्सटर्नल रिसोर्स पर्सन डिटेल्स डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं ट्रेनिंग मटेरियल। फीडबैक रिसीव करने के बाद आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं। शेड्यूल में आप क्लिक करेंगे अपडेट स्टेटस ऑफ ट्रेनिंग, प्रोग्राम नेम से आप सर्च कर सकते हैं। चेंज स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे, कंडक्टेड पे क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे तो आपका ट्रेनिंग कंडक्टेड की कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पे आप दो और ऑप्शन देख पा रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन, रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोन। अगर आप चाहें किसी कारण अपना ट्रेनिंग कैंसिल करवाना है तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं एडमिन को। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट जाएगा एडमिन के पास। आपको रीज़न सिलेक्ट करना होगा। अगर किसी कारण आपको पोस्टपोन करना है तो रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे नया डेट जो है आपको सूटेबल वो आप सिलेक्ट करेंगे, टाइम ये सब करके रीज़न सिलेक्ट करेंगे, आप सबमिट करेंगे। हमारे केस में हमारा ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है तो हम उसे कंडक्टेड में क्लिक करेंगे और चेंज स्टेटस करेंगे। एक बार आप कंडक्टेड और करके अपना चेंज स्टेटस करते हैं ट्रेनिंग का, तब आप ट्रेनिंग में कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग कंडक्टेड में आपको दिखा रहा है पीपीसी 2021 बैच 1, एजेंडा, अटेंडेंस शीट आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल्स अपलोडेड भी आप यहाँ से देख सकते हैं। हमने जाना किस तरह से ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल पे हम ट्रेनिंग की प्रविष्टि कर सकते हैं और रिपोर्ट्स देख सकते हैं। थैंक यू।